पाकिस्तानी नजाद बरतानवी शहरी कादिर इफ्तखार खान को मैनेजमेंट साइंसेज में कोचिंग रिसर्च और तरबियत के लिए नए और मुनफरिद अंदाज मुतारफ कराने पर उनकी खिदमात के एतराफ में अमरीका के हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की तरफ से कोचिंग विजन ऑफ एक्सेलेंस अवार्ड 2010 दिया गया है। कादिर इफ्तखार खान को ये अवार्ड कोचिंग एंड लीडरशिप डेवलपमेंट के मौजू पर वर्कशॉप में नए रुझानात से आगाही देने और बेहतरीन कारकर्दगी पर दिया गया। आलमी लीडर्स के लिए कोचिंग के हवाले से होने वाले वर्कशॉप को भी कादिर्स क्वेश्चन का नाम दिया गया था। इस वर्कशॉप में दुनिया के 11 ममालिक के 22 एग्जीक्यूटिव कोचेस ने शिरकत की थी। The Vision of Excellence Award. Kadir Iftikhar Khan. Kadir Iftikhar Khan has been a part of law enforcement agencies for over 18 years in Pakistan, as well as being active in the business world. Recently, Kadir's experiences and ingenuity benefited many when a chance encounter with a Harvard professor of psychology, Dr. Carol Kaufman, led to the development of a new method of coaching. कादिर इफ्तखार खान गुज़श्ता 18 साल से पाकिस्तान में कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए काम करने के साथ ताजिर बिरादरी के लिए भी अहम खिदमात अंजाम देते रहे हैं। कोचिंग विजन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड देने की तकरीब लंदन में हुई। इस मौके पर कादिर इफ्तखार खान को पाकिस्तानी कम्युनिटी की जानिब से भी एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच, आई लव यू ऑल, थैंक यू। तकरीब से खिताब करते हुए हार्वर्ड मेडिकल स्कूल यूएसए की सरबराह डॉक्टर प्रोफेसर कैरल कोफमिन का कहना था कि वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के उस्ताद की हैसियत से आलमी तिजारत और लीडरशिप की सलाहियतें पैदा करने की कोशिश कर रही हैं और अपने तजुर्बे से बेहतरीन आइडियाज़ का अंदाज़ा बखूबी कर सकती हैं। उनका कहना था कि कादिर इफ्तखार खान इंतहाई बासलाहियत और बाशऊर हैं। उनकी अच्छी कोचिंग से दुनिया भर के अफराद इस्तफादा कर रहे हैं। I wanted to share is that I'm probably an example of what you all were talking about. I'm someone who would read the newspaper and see something about terrorism in Pakistan, and I would think, because of knowing Kadir Khan, to think this isn't true. What happened as a result of his discussions with me in coaching is his questions became the backbone of an international conference where researchers from 11 countries posed questions that he asked us, and also it's been the subject of academic articles and has inspired a number of research topics.